मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसे हम एक वैज्ञानिक क्रांति मान सकते हैं। जब बात मोबाइल फोन की हो तो सिम कार्ड को इसकी आत्मा होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड की खोज किसने की थी? दरअसल सिम कार्ड एक प्रकार का स्मार्ट कार्ड है, जिसका मूलभूत आधार सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप है। एक प्लास्टिक कार्ड पर एक सिलिकॉन आईसी चिप को शामिल करने का विचार 1960 के दशक के अंत में आया था, पर यह सब इतना आसान नहीं था। इसमें उच्च तकनीक की आवश्यकता थी, इसलिए लंबे समय तक यह विचार सिर्फ विचार ही रहा। दुनिया का पहला सिम कार्ड 1991 में जर्मनी में म्यूनिख में रहने वाले जाइसिक और डिवरेंट द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने पहले 300 सिम कार्ड फिनलैंड की वायरलेस नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी रेडियोलिंजा को बेचे थे। आज सिम कार्ड दुनिया भर में 7 बिलियन से अधिक डिवाइस को सेलुलर नेटवर्क से जोड़े हुए हैं। इंटरनेशनल कार्ड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार अब तक वैश्विक स्तर पर 10 बिलियन से अधिक सिम कार्ड का निर्माण किया गया है। इनमें लगातार नए इनोवेशंस भी होते जा रहे हैं और आज आधुनिक कार्स में सिम कार्ड लगाए जा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, बताइएगा जरूर। कल फिर मिलते हैं।